हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का हलवा, जिसके लिए सामग्री लगेगा तो हम बता देते हैं। देखिए, हम ये चार अंडा लिए हुए हैं और ये देसी घी है और इसमें देखिए चीनी लिए हैं और थोड़ा सा हम सूजी लिए हैं। ज़्यादा नहीं सूजी चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा। तो देखिए, हम थोड़ा सा सूजी लिए हैं और ये बादाम है, इसको अच्छी तरह से हम बारीक बारीक काट लिए। काजू है, किशमिश है, थोड़ी सी देखिए हरी इलायची लिए हैं चार, और ये है खोआ और ये है दूध, एक गिलास भर के दूध लिए हैं। तो सबसे पहले आगे हम अंडा को देखिए इस तरह से हम हलवा बना रहे हैं। देखिए, हम एक कढ़ाई ले लिए है, देखिए एक कढ़ाई ले लिए, इसमें हम अंडा इसको फोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अंडा को फोड़ लेते हैं। इस तरह से बनाइएगा गाइस हलवा, तो आपका अंडा बेसाइन नहीं महकेगा। अब इसी में हम देखिए ये जो चीनी है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हो। तो देखिए, हम इसमें चीनी डाल देते हैं और इसी में हम डाल देंगे ये दूध एक गिलास भर के। अब इसी में हम डाल देंगे ये खोआ। तो खोआ को हम इस तरह से इसी में हम डाल देते खोआ। इसी में हम इलायची पाउडर, इसको पीस कर हम हरी इलायची को इसमें डालेंगे। तो हम पीस लेते हैं। देखिए गाइस, इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो देखिए, इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे कि हमारा चीनी और जो खोआ है सब इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए, हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बहुत आराम आराम से करिएगा। देखिए गाइस, हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए हैं। अच्छी तरह से देखिए, हम इसको फेंट लिए हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो देखिए, गैस हम जला लेते हैं और उस पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। देखिए गाइस, हम गैस जला के कढ़ाई चढ़ा दिए। अब उसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो देखिए, हम देसी घी डाल देते हैं। आप कोई चीज़ में भी बना सकते हैं, डालडा में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। बाकी देसी घी में बनाएगा तो उसका टेस्ट दूसरा रहेगा। तो देखिए, हम देसी घी डाल दिए हैं। देसी घी अच्छी तरह से घुल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे सूजी। देखिए गाइस, अच्छी तरह से देसी घी मिक्स हो गया। अब इसी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जो हम सूजी लिए हुए हैं उसी को हम डाल देते हैं। अब सूजी अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। देखिए गाइस, इसी में हम ड्राई फ्रूट जो जितना लिए हम डाल देते हैं, बादाम डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं और किशमिश भी डाल देते हैं। अब इसी के साथ हम इसको भी भून लेते हैं। देखिए गाइस, हमारा ये अच्छी तरह से हो गया है। अब इसी में हम डाल देते हैं हमारे अंडे का बैटर। अब इसको हमको धीमी धीमी आंच से इसको पकाना है। देखिए गाइस, इसी में हम थोड़ा सा सिर्फ फूड कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी के बराबर। इसमें कलर अच्छी तरह से इसका चेंज हो जाएगा इस तरह से। देखिए, हम ज़्यादा नहीं डाले हैं, सिर्फ थोड़ा सा डाले हैं। अब इसको हम हलवे को, अंडे के हलवे को देखिए हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। इसको जितना धीमी धीमी आंच से पकाएंगे उतना ही आपका अंडे का हलवा बहुत बेस्ट बनेगा। देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरह से देखिए ये बना हुआ है अंडे का हलवा। अभी और ये भुनाएगा, इसको हम भून लेते हैं, फिर ये लाल हो जाएगा। देखिए हमारे, देखिए हमको अंडे का हलवा इस तरह से हमको पकाना है खूब अच्छी तरह से। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है गाइस।
देखिए, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। देखिए इस तरह से बनाइएगा मेरे तरीके से, तो आप लोग अंडे में बिस्ताइन भी नहीं महकेगा। देखिए इस तरह से, अब इसको हम खूब और भी भुनेंगे, खूब अच्छी तरह से इसको लाल कर लेंगे। देखिए गाइस मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कढ़ाई छोड़ दिया है। देखिए और ये भुना भी गया है। अब हम गैस को कर लेते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, तो अब आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस हमारा अंडे का हलवा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए गाइस। गाइस आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए कि हम आगे बढ़ें। आपके लिए इसी तरह हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। आप मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।